जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भला। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें हर्ष होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मोहम्मद राशिद हुसैन बात कर रहा हूँ, नूह जिले के गांव रहना से। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें हर्ष होता है कि आपके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश समान विकास की ओर अग्रसर है और आप निश्चित ही सबका साथ सबका विकास वाले नारे को सच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के बारे में नुहू, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों में काम होना अभी बाकी है। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप इन क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगाने पर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाए ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। शुक्रिया जी। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है मित्र। देखिए, हम पूरे प्रदेश का एक समग्र विकास करने की योजना बना रहे हैं। बनाई भी है पहले कुछ योजनाएं, और आगे 2020 की जो हमारी औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू होनी है, जिसके ऊपर चर्चा आजकल चल रही है, उसके ड्राफ्ट प्लान में हमने एक विषय डाला है कि जिन क्षेत्रों में उद्योग कम है वहां कैसे इसको प्राथमिकता दी जाए। हरियाणा के सभी जितने भी म्यूनिस्पैलिटीज हैं, जितने ब्लॉक हैं, इनको अपने 4 श्रेणियों में बांटा है, ABCD। डी यानी जो बहुत कम विकसित है और जहां ना के बराबर विकास है, और सी उससे कम विकसित, बी और कम विकसित, ए जो है जहां पहले से इंडस्ट्री पर्याप्त है। अभी तक इंडस्ट्री के नाते से हम कह सकते हैं गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, धारवाड़ा है, हमारा बहादुरगढ़ है, सोनीपत है, ये स्थान जिले ऐसे हैं जहां इंडस्ट्री पर्याप्त है। लेकिन जहां इंडस्ट्री बहुत ही कम है, दूर दराज के इलाके जिसमें आपका नूह जिला भी आता है, जिसके अंदर एलाहाबाद जैसा इलाका, कालांवाली जैसा इलाका, मोरनी जैसा इलाका या होटल और भीम जैसा इलाका, तो इन इलाकों में जहां इंडस्ट्री बड़ी कम है वहां के लिए स्पेशल इंसेंटिव ये हमें हो सकती है। और उद्योगपतियों को कहा है कि वहां जाकर के आप निवेश करिए, उनको निवेश में करने में उनको जो हम सब्सिडीज देंगे, इंसेंटिव देंगे, वो उन सालों पर ज्यादा देंगे, और खास करके जो वहां के लोगों को रोजगार देंगे तो रोजगार में भी प्रति मास पहले जैसे सी और डी ग्रुप में हम 3,000 रुपया मासिक उनको सहायता देते थे कि हमारे हरियाणा के युवक को यदि सी और डी में जाकर के आप नौकरी देते हो, उद्योग लगा करके हम 3,000 रुपया मासिक देंगे। इस बार उसको हम 4,000 रुपया मासिक करने वाले हैं, यानी अगर वो 15,000 रुपया सैलरी देता है तो 4,000 रुपया तो सरकार देगी, उसको 11,000 रुपया ही देना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा लाभ उनको मिलता है, वहां बिजली देने की, वहां जो तो क्लीयरेंस देनी है, सीएलयू देना है, पानी की है, सड़क की है, ये सब सुविधा उनको दे रहे हैं ताकि उद्योग वहां ज्यादा से ज्यादा लगे। और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है वैसे वैसे उस सड़क है, रेलवे है, उसके दोनों तरफ उद्योग स्वाभाविक बढ़ जाता है। नो के लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जहां आप दिल्ली मुंबई एक एक्सप्रेस वे ये जो बन रहा है ये नूह जिले के बीचों बीच होकर के जा रहा है, और वहां उसके जहां जहां टर्मिनल होंगे, जहां जहां क्रॉसिंग होंगी, उन स्थानों पर अपने आप उद्योग विकसित होगा। EMP रोड के कारण से भी आपका सोना और इससे आगे के जो सारे क्षेत्र के अंदर मेवात का भी कुछ इलाका आता है, उसके अंदर भी संभावना बढ़ी है उद्योग की। जो महेंद्रगढ़ जिला आपने बताया, तो मुंबई जो रेलवे कॉरिडोर है, उस रेलवे दिल्ली मुंबई रेलवे कॉरिडोर, उस कॉरिडोर के महेंद्रगढ़ जिले में से निकलने के कारण से एक लॉजिस्टिक हब 1,000 एकड़ के ऊपर उन्होंने मंजूर किया है नांगल चौधरी में। तो नांगल चौधरी को उस 1,000 एकड़ की जमीन के ऊपर लोग उद्योग लेकर के आएंगे, वेयर हाउसिंग लेकर के आएंगे, और उस दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर, उसका लाभ उनको मिलने वाला है। तो आगे चल करके जो कम विकसित इलाके हैं वहां विकास कैसे ज्यादा हो, अभी हमने जैसे बड़ौदा के अंदर ही IMT की घोषणा की है, तो बड़ौदा के जो लोग सुन रहे हैं उनको भी इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए, आने वाले कुछ वर्षों के अंदर वो विकसित हो जाएगा, तो वहाँ इंडस्ट्री बहुत आएगी। बड़ौदा का भी दिल्ली के साथ निकट होने के कारण से मार्केटिंग की व्यवस्था दिल्ली की बड़ौदा के लोगों को बहुत अच्छी मिलने वाली है। एक स्पेशल एक्सप्रेस वे जैसा ये दिल्ली मुंबई का बन रहा है, एक और नया मंजूर हुआ है, और वो कुंडली से लेकर और अमृतसर तक,
वो भी इसी इलाके से नरवाना मरोदा जीव ये जो इलाका है वहां से होकर के निकलने वाला है और उसके लिए बहुत जल्दी होगा फायर होंगी तो उसका भी उपयोग लोगों को होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा बढ़ेगा सड़कें रेलवे जितना ज्यादा बढ़ेंगी उतना ही उद्योग बढ़ेगा और उद्योग बढ़ेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेरी युवाओं से एक अपील है कि प्राइवेट उद्योग ये चाहता है काम करने का कल्चर ये बढ़ना चाहिए, बिहेवियरल और एटीट्यूड इसकी स्किल्स आनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स आनी चाहिए, तो हम अपने युवक को स्किलिंग का यानी अर्थात कौशल विकास का भी एक कार्यक्रम देकर के आगे बढ़ाना पड़ेगा और उनके मन में संकोच नहीं होना चाहिए प्राइवेट उद्योग में जाने के लिए, काम करने का स्वभाव बनेगा। अभी तो हमारा युवा चाहता है सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी की सीमाएं हैं, एक साल में हम कभी भी 15-20 हजार से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाते हैं, पिछले 5 साल में हम केवल 75 हजार नौकरी दे पाए, अगले 5 साल में भी हम 1 लाख ज्यादा सरकारी नौकरी दे पाएंगे, लेकिन 1 लाख से काम नहीं चलता है, इसमें प्राइवेट उद्योग या स्वरोजगार जैसे ये सब मिलाए तो हमारी लगभग 9.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है पिछले 5 साल में। इस ओर हमें सोचना चाहिए, काम करने से व्यक्ति का मन भी अच्छा रहता है और उसका रोजगार भी बढ़ता है, उसके परिवार को लाभ भी होता है, काम आगे बढ़ेंगे, मौका पड़ेगा तो सरकारी नौकरी में अगर कभी अपनी योग्यता के आधार पर दे पाएंगे। अब हमने उसके रास्ते सबके लिए खोल दिए हैं, हमने जो जो लोग आउटसोर्सिंग पर लगते हैं उनको भी प्राथमिकता दे रहे हैं। हम एक और चीज सोच रहे हैं कि प्राइवेट उद्योग में भी अच्छा काम करने वाले युवा उनको भी आगे चल करके सरकारी नौकरी देनी होगी तो कुछ ना कुछ प्राथमिकता देने का उसमें भी एक रास्ता खोलेंगे, ऐसा हमारे मन में विचार है। तो हम लोग अपने युवाओं को रोजगार देने के अवसर जहाँ अवसर मिले वहां चले जाए, अपने काम को शुरू करें, यही बात।